Hello everyone, welcome to all of you in FFB live chemistry classes. I hope everything is fine. From today I will start a new chapter. The name of this chapter is polymer chemistry. इससे पहले के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स वन बाई वन डिस्कस हुए हैं, तो आज के वीडियो में हमने जो भी सेलेक्ट किया है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री पर से एक टॉपिक। पॉलीमर केमिस्ट्री शॉर्ट में इंटरमीडिएट कोर्स में दी हुई है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को इस क्लास में, इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो आज के जो क्लास का टॉपिक है, वो पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पॉलीमर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पे एक समरी उसकी दी हुई है, टॉपिक जो जो जिस पे इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो वीडियोज में हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, तो आज का टॉपिक यही है पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। उसके अलावा मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, को पॉलीमराइजेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ऑफ कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंस, जैसे कि पॉलीप्रोपाइन, पॉलीस्टाइराइन, पीवीसी, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स, बैकेलाइट, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, डायलॉन, पॉलीथीन्स, स्ट्रक्चर, सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। नाउ टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन हमको पढ़ना है, जिसमें पहले हम व्हाट इज पॉलीमर्स विच इज नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स आल्सो। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड्स विच स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, दैट इज मोनोमर्स, ऑब्टेन फ्रॉम लो मॉलिकुलर मास कंपाउंड्स। तो लो मॉलिकुलर मास कंपाउंड की जो यूनिट है वो आपस में रिपीट होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाती है, जिसको कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो ये छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिससे कि मिल करके पॉलीमर बनता है, उसको कहते हैं मोनोमर्स। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन ए रेगुलर फैशन टू मेक हाई मॉलिकुलर मास, दैट इज 10^3 to 10^7 माइक्रोन पॉलीमर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स इज टर्म्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन ए रेगुलर फैशन टू मेक हाई मॉलिकुलर मास पॉलीमर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड सिस्टम्स एज पॉलीमराइजेशन। नाउ पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। द स्मॉलर स्पेसीज फॉर्म By the process of polymerization of monomer are dimer, trimer, tetramer, pentamer and then polymer etc. depending on the number of monomer unit. तो monomer unit होती है जिससे कि polymer form होता है। जब दो monomer आपस में joint होके polymer बनाते हैं तो ये कहलाता है, क्योंकि दो monomer है तो ये dimer कहलाएगा, या टू मोनोमर यूनिट्स जब जुड़ करके पॉलीमर बनाएंगी तो ये डाइमर, थ्री
मोनोमर यूनिट जुड़ेंगी ए ए ए, जबकि मोनोमर ए है और ये आपस में जुड़ करके तो ये कहलाएगा ट्राइमर। इसी तरह जब चार यूनिट ऑफ ए जुड़ेंगी तब ये टेट्रामर, और नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जब ज्वाइंट हो जाएंगे ए इंटू एन तब ये कहलाएगा पॉलीमर। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन पॉलीमर, इसमें एथिलीन, एथिलीन के एन मॉलिक्यूल्स जिनको आपस में ज्वाइन कराया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट करते हैं अंडर प्रेशर, तो ये एथिलीन, ये जो कि मोनोमर है, ये बार बार जुड़ करके इस तरह का कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे एन हम लिख सकते हैं CH2 CH2 N, यानी कि CH2 यूनिट कई बार जुड़ करके कंपाउंड बनाती है, वो कहलाता है पॉलीथीन यानी एथिलीन या एथीन। और जब ये पॉलीमर बना तो ये पॉलीथीन, क्योंकि ये मोनोमर है और ये पॉलीमर। ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाइल आल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट बी पॉलीमर इन नेचर। पॉलीमर इज ए नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाई कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ होमो पॉलीमर, ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स इज नोन एज होमो पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन का एग्जाम्पल जो देखा अभी, इसमें एक ही तरह का मोनोमर है जो बार बार रिपीट होके पॉलीमर बनाता है, तो दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमर इज नोन एज होमो पॉलीमर। एंड को पॉलीमर, इसी तरह के और भी एग्जांपल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें विनाइल क्लोराइड बार बार जुड़ करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है। इसी तरह टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल एसीटेट एटसेट्रा, दीज आर द होमो पॉलीमर। नाउ को पॉलीमर, ए पॉलीमर मेड फ्रॉम मोर देन वन मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड को पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 6,6 डेक्रॉन और टेरिलीन, इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स में बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन वन क्राइटेरिया और द अदर एस। Now classification on the basis of source. First, natural polymer. Those polymers which are found in nature in their natural form are called natural polymers. That is protein, starch, cellulose, nucleic acid, natural rubber, enzyme, hemoglobin are all are these type of polymer are known as natural polymers. Now semi-synthetic polymers, these are obtained by using natural polymers, that is some modification are made in natural polymer by artificial means. Examples, cellulose nitrate, vulcanized rubber, gun cotton, that is cellulose trinitrate, etc. These are known as synthetic polymers. These are known as semi-synthetic polymers. ये synthetic polymer होते हैं जिसमें some modification किया जाता है इनके इनकी properties को और useful बनाने के लिए। दूसरा उसके बाद है synthetic polymer. These are man-made polymer such as polyethylene, polyvinyl chloride, nylon, etc. Now classification based on synthesis. Two types of polymers are known on the basis of synthesis. First, addition polymers or chain growth polymer, and second, condensation polymer or step growth polymers. So first we see addition polymer or chain growth polymers. These are polymers formed by the addition together of the molecules of the monomers same or different monomers to form a macromolecules without elimination of anything. The addition polymers are formed by monomers which are unsaturated compounds. Now what are the addition polymers? Are polymers formed by the addition together of the molecules of the monomer same or different. For example, polyethylene, polypropylene, teflon, polyacrylonitrile, etc. This is the polyethylene. Ethylene के polymerization से
पॉलीथीन बनता है। प्रोपिप्लीन पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन के पॉलीमराइजेशन से इस तरह से ये पॉलीप्रोपिलीन बनता है। टेफ्लॉन में मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, दिस इज द टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका पॉलीमराइजेशन होता है, तो इस तरह से ये टेफ्लॉन पॉलीमर बनता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, कंडेंसेशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, एल्कोहल, अमोनिया, HCl और CO2। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, वेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ फॉर्मेल्डिहाइड इट फॉर्म्स बेकेलाइट। द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट इज लाइक दिस। अदर एग्जाम्पल्स आर नायलॉन 6, नायलॉन 6-6, टेरिलीन एटसेट्रा। दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसमें एलिमिनेट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। एन एडिशन पॉलीमर हैज द सेम इंपेरिकल फार्मूला एज द मोनोमर, वाइल इन कंडेंसेशन पॉलीमर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द पॉलीमर इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द मोनोमर। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में देखा, कंडेंसेशन जो पॉलीमर है उसमें जो मोनोमर है उसकी तरह का फार्मूला नहीं है, डिफरेंट हो जाता है, जबकि एडिशन में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन जब मोनोमर बार बार रिपीट होकर के पॉलीमर बनाते हैं तो ये पॉलीमर एडिशन पॉलीमर कहलाते हैं, जैसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन। फॉर एग्जाम्पल पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीब्यूटिलीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, दीज आर आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स आर नायलॉन 6, नायलॉन 6-6, टेरिलीन, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड एटसेट्रा। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड एज लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स। फर्स्ट लीनियर पॉलीमर्स, दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन लाइक दिस। द वेरियस पॉलीमेरिक चेन्स आर स्ट्रेच्ड ओवर, स्टैक्ड ओवर वन अदर टू गिव वेल पैक्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स आर पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टरीन, नायलॉन्स, दीज आर आल्सो नोन एज वन डायमेंशनल पॉलीमर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, high densities and high tensile strength. Now second type of polymers are branch chain polymers, or it is known as two dimensional polymers. In these polymer the monomer units are joined to produce long chain, main chain, along with side chains like this of different lengths which are produced branches such as amylopectin and glycogen. These polymers are irregularly packed, have low melting point, low density and low tensile strength than linear polymers. Now third type of polymers are cross-linked polymers. This is known as three-dimensional polymer structure like this. In these polymers, linear polymer chain are joined together to form three-dimensional network structure. They are hard, rigid, and brittle because of their network structure. Examples are bakelite, urea formaldehyde, melamine formaldehyde resin, etc. Now, classification based upon molecular forces. On the basis of molecular forces, polymers have been classified into four types. First, elastomers, fibers.
thermoplastics and thermosettings. First is elastomers. In elastomers, polymeric chains are attached to each other by weak intermolecular forces. The weak forces permit the polymer to be stretched out. Forces like hydrogen bond, van der Waals forces, etc. Forces like hydrogen bond, van der Waals forces, etc., which acts between polymeric chains. The strength of these forces depend upon the size of polymer and functional group present. Larger molecules experience stronger forces. On the basis of molecular forces, polymers are classified into four classes. So, abhi शार्ट में पहले बताया था वही चीज है आगे जो यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है. इलास्टोमर्स के बारे में अभी बताया. इन इलास्टोमर्स पॉलीमेरिक चेन्स आर अटैच टू ईच अदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलास्टोमर्स मे बी स्ट्रेस्ड. दे आर क्रिस्टलाइन. इफ फोर्स स्ट्रेचिंग देम इज रिमूव्ड दे रिमेन देयर ओरिजिनल पोजिशन. Examples are Buna S and Buna N, etc. Second type of polymer is fiber polymers. In fiber polymers, strong hydrogen bonds or dipole 2 attraction forces are present between different molecules. They have high tensile strength. They are crystalline arc and closely packed. They are used in making fibers. Examples are nylon 6,6, polyester, Tecron, etc. Now, third type of polymer is thermoplastic polymers. In these polymers, intermolecular forces are stronger than elastomers, but weaker than fiber polymers. No cross-linked are present in them, and that is why they are not rigid. On heating, they melt and solidify on cooling. They may be changed into various shapes by melting them, followed by cooling. Examples are polyethylenes, polystyrene, Teflon, PVC, etc. Now, plasticizers. The substances which are added to improve the quality of plastic, like viscosity, elasticity, etc., are called plasticizers. PVC is very hard plastic but becomes soft on adding N-butyl phthalate in it. Some common plasticizers are dialkyl phthalate, crisyl phthalate, tricerisyl phosphate, chlorinated paraffins, wax, etc. Now, thermosetting plastic. Thermosetting polymers are prepared from semi-fluids. These heated semi-fluids are poured into molds of definite shape and on cooling. They are converted into hard, non-inflammable, non-fusible, insoluble substance. Their hardness is due to formation of large number of cross-links. For example, bakelite, urea, formaldehyde, resin, melamine, etc. Examples are nylon 6,6 polyester, terephthalate, Tecron, and polyacrylonitrile or fibers. It's the hydrogen bonding in nylon 6,6. ये बीच में hydrogen bonding होती है. उसके अलावा ये thermoplastic है. These are the polymer in which intermolecular forces of attraction are in between those of elastomers fibers. They are यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है. थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिक पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है. थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग, वाइल थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ये किसी कहीं से रिएक्शन आ गया है बीच में. हालांकि ये नायलॉन 6,6 का पूरा स्ट्रक्चर है
जिसमें कि ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में अभी बता चुके हैं, अब यहाँ हमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का डिफरेंस देखना है। तो दीज सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड थर्मोसेटिंग डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग बट रेदर बिकम हार्ड इन केस प्रोलॉन्ग हीटिंग इज डन दीज स्टार्ट बर्निंग। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैन बी रीमोल्डेड रिकॉस्ट एंड रीशेप बट थर्मोसेटिंग कैनॉट बी रीमोल्डेड और रीशेप। एक बार जो बन गया इससे वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम जिस शेप में भी ढल गया उसको वापस फिर पहले वाले में नहीं कर सकते, जबकि इसको पिघला करके हम फिर से रीमोल्ड कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक आर लेस ब्रिटिल एंड सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट थर्मोसेटिंग आर मोर ब्रिटिल एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नाउ थर्मोप्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन बट दिस इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थर्मोप्लास्टिक हैव यूजुअली लीनियर स्ट्रक्चर व्हाइल थर्मोप्लास्टिक हैव थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन पीवीसी टेफ्लॉन नायलॉन, जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बेकेलाइट यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन टेरिलीन एटसेट्रा। नाउ होमोपॉलीमर अभी देखा था जिसमें कि मोनोमर यूनिट सेम होती है वो क्या कहलाते हैं होमोपॉलीमर। तो यहाँ कॉमन नेम ऑफ मोनोपॉलीमर यानी है ये मोनोमर्स हैं उनके और उनकी यूजेस हैं। पॉलीथीन जिसकी की मोनोमर यूनिट है एथिलीन, यूज है इनका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप टॉयज बैग वायर रेगुलेटर बॉटल एक्सेट्रा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इन शॉर्ट पीवीसी कहते हैं, मोनोमर यूनिट है इसकी जो कि बार बार रिपीट होकर पॉलीमर बनाते हैं उसको कहते हैं मोनोमर। इसकी मोनोमर यूनिट है विनाइल क्लोराइड, यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शीट्स वाटर पाइप हॉर्स होसेस एंड बैग्स प्लम्बिंग फिटिंग शोवर कर्टेन एटसेट्रा। नाउ पॉलीस्टीरीन मोनोमर स्टाइरीन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्स टॉयज रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स पैकेजिंग मटेरियल फॉर शॉक ऑफ एब्जॉर्बेंस। नाउ PAN पैन पॉली एक्रेलो नाइट्राइल, इसका जो मोनोमर है वो एक्रीलो नाइट्राइल द यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्लान एक्रीलोन फिल्म से सब्सटीट्यूट फॉर वूल फॉर मेकिंग क्लॉथ एंड ब्लैंकेट्स यहाँ पे यूज होता है। टेफ्लॉन मोनोमर यूनिट टेट्राफ्लोरो एथिलीन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटर गैसकेट्स नॉन स्टिक कुकवेयर एक्सेट्रा। तो नॉन स्टिक कुकवेयर जो देखते हो घरों में वो किसका बना होता है, जो ब्लैक पॉलिश होती है उसके ऊपर वो टेफ्लॉन की होती है। ब्यूना रबर मोनोमर यूनिट है ब्यूटा 1,3-dyne इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स हॉर्सेस एक्सेट्रा। नाउ पॉलीविनाइल एसीटेट मोनोमर यूनिट है उसकी विनाइल एसीटेट used in the manufacture of latex paint. These are the homopolymer and now come on the copolymers. Copolymers में दो monomer होते हैं, दोनों different होते हैं जो आपस में joint होकर के polymer बनाते हैं। तो copolymer में synthetic rubber और styrene butadiene rubber SBR और इसे known as Buna S। मोनोमर यूनिट दो है स्टाइरीन एंड ब्यूटा 1,3-dyne यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई ड्यूटी टायर्स बेल्टिंग होसेस एंड रबर सोल्स। द सेकेंड कोपॉलीमर इज डेक्रॉन और टेरिलीन मोनोमर यूनिट्स आर एथिलीन ग्लाइकॉल एंड डाइमेथिल टेट्राथैलेट। इन दोनों के जुड़ के आपस में कंडेंसेशन करके जुड़ने से जो फाइबर बनता है वो पॉलीमर होता है। यूजेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। उसके बाद है ग्लिप्टॉल जिसकी की मोनोमर यूनिट है एथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। इट फॉर्म्स ग्लिप्टॉल
uses in the manufacture of paints and liquids. Nylon 6-6 monomer unit hai hexamethylethylamine and adipic acid. They are used in the manufacture of fabrics, tire, cords, ropes and carpet etc. Bakelite monomer units hai formaldehyde or phenol. They are used in the manufacture of electrical goods, phonograph records, fountain pen, barrels, combs, etc. Now, melamine formaldehyde resins or melamine. Iski monomer unit kya hai? Formaldehyde and melamine. This is melamine. Dono ke mil karke banate hai kya? Melamine. They are used in the manufacture of plastic unbreakable crockery. Now, polyurethane monomer units are ethylene glycol and ethylene diisocyanide. Used in the manufacture of fibers, paints and heat insulators. These are the polymers, types of polymers. कितने तरह से उनको classified किया जाता है ये देखा. अब हमारा जो अगला topic है वो है polymerization का. Now, word polymer is derived from Greek word polymers, meaning several units. Thus, polymers are compounds of high molecular mass, which are formed by union of several small units. They are called macromolecules also, and their molecular masses are very high. The small molecules which form polymer is known as monomers. The process of formation of polymer is called polymerization. W.H. Carothers played important role in synthesis of polymers. He synthesized many polymers by using different monomers. Polyethylene is obtained by polymerization of ethylene. इसको अभी पढ़ चुके हो. Ethylene polymerization होता है तो ये compound बनता है polyethylene. The smaller unit of polymer which repeatedly unite to form polymers is called repeating unit. These monomeric units may be same or different. Progress of repeating unit to form polymer is shown below. A is the monomer. 2A joint होंगे तो A2 polymer कहलाएगा dimer. When three monomers are joined, it is trimer. When four monomers, this is tetramer, and n जब indefinite molecule monomers join करके polymer बनाएंगे compound, तो ये क्या होगा? Polymer. When only one type of monomeric units combine to form polymer, then it is called homopolymer. In the formation of polyethylene, only ethene monomer is polymerized, and thus it is polyethylene homopolymer. Other examples are PVC, PAN. When two or more than two types of monomeric units form polymer, then it is called heteropolymer or copolymers. Now, general methods of polymerization. Commonly, polymers are formed by addition or condensation polymerization. First, we discussed on addition polymerization, which is known as chain growth polymerization. Addition polymers are formed by addition of monomer units without elimination of any byproducts. Monomer used in this process are unsaturated compounds like alkene, alkadienes or their derivatives. Chain propagation in this mechanism is either due to formation of free radical or ionic species or cations or anions. Because these polymers are formed by chain growth polymerization, that is why they are known as chain growth polymers. Two mechanisms have been proposed for them. First, free radical addition polymerization and ionic addition polymerization. First, we discussed on free radical.
free radical addition polymerization. In this type of polymerization, process is started by a free radical initiator. With this mechanism, different type of unsaturated compounds like alkenes, dienes, or their derivatives are polymerized by using free radical initiators like benzoyl peroxide, acetyl peroxide, or tert-butyl peroxide. So these are radical initiators: benzoyl peroxide, acetyl peroxide, and tert-butyl peroxide. In this process, monomer is heated with small amount of initiator, that is peroxide, or monomer is kept under influence of light or radiation. This process is completed in three steps. First step is chain initiation step. In this step, organic peroxide undergoes homolysis to form free radical, which act as initiator. सेकेंड चेन, इसी में प्रोसेस होता है पहला चेन इनिशिएशन. ऑर्गेनिक पराक्साइड्स अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल. दिस इज द पराक्साइड. होमोलिटिक फ्यूजन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल. इस तरह से ये अनस्टेबल होता है और ये फ्री रेडिकल बनाता है, यानी 2R फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुई. In case of benzoyl peroxide, the free radical form is benzyloxy radical and then phenyl free radicals. पहले benzyl इस तरह का कंपाउंड बनता है, जब इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों यूनिट अलग होगा, तब ये बनाएगा benzyloxy radical which is converted into phenyl radical जिसके पास की एक इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों पार्ट लेकर के अलग हो जाते हैं. नाउ सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन. फ्री रेडिकल एड्स टू एन एल्कीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल एल्कीन से जुड़ जाता है और ये नया फ्री रेडिकल बनता है. इसका फिजन होगा इस तरह से, और एक यहाँ पे इसका यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है. So this is the new free radical. If R is C6H5, then C6H5CH2CH2 free radical banta hai. The free radical form attacks another alkene molecule and the process continues in the building a long chain. This is the chain propagation step. Is tarah se ab ye free radical dusre ethylene molecules ke sath reaction karta hai aur dusra free radical banata hai. फिर ये इसी तरह से फिर अगले एथिलीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके फिर और लॉन्ग चेन, इसकी चेन और लॉन्ग होती जाएगी और फ्री रेडिकल बनेगा. नाउ थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन. द चेन रिएक्शन कम्स टू टर्मिनेट व्हेन टू फ्री रेडिकल चेन कम्बाइंड. सर इसी तरह से जो चेन बन रही है, दो चेन जब आकर के आपस में कंबाइंड होंगी इस तरह से, तो इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप. नाउ बेंजाइल और टर्ट ब्यूटिल पराक्साइड्स आर कॉमन इनिशिएटर्स आर टू बी यूज. नाउ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैन आल्सो बी इनिशिएटेड बाय ए मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन पराक्साइड. द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड किससे भी किया जा सकता है, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पराक्साइड से. तो इस तरह से ये चेन प्रोपेगेशन जो है, चेन आगे बढ़ती जाएगी और पॉलीमर फॉर्म होगा. और दे कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन बाय एक्सेप्टिंग वन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और बाय वन फ्री रेडिकल फ्रॉम द अदर व्हिच इज कन्वर्टेड टू एन एल्कीन. द रिएक्शन इज लाइक दिस. इस तरह से इट फॉर्म्स एल्केन. Benzoyl peroxide, tert butyl peroxides, and acetyl peroxides are common initiators as they decompose to form free radicals. जैसा अभी देखा था, ये decompose होते हैं और दो free radical बनाते हैं. ये क्या है?
एसिटिल पराक्साइड, टर्ड ब्यूटिल पराक्साइड एंड दिस इज एसिटिल पराक्साइड। ये भी यहाँ से ये होमोलिटिक फिजन होता है और क्या बनाता है, टर्ड परा ब्यूटासाइड फ्री रेडिकल लाइक दिस। और इसी तरह एसिटिल पराक्साइड में भी होमोलिटिक फिजन होता है और बनता है फ्री रेडिकल। तो ये तीन तरह के फ्री रेडिकल जो कि इनिशिएटर का काम करते हैं, बेंजोइल पराक्साइड किस तरह से फ्री रेडिकल बनाता है, उसके बाद टर्ड ब्यूटिल पराक्साइड, उसके बाद एसिटिक, तीनों के एग्जाम्पल हैं ये। और इनका काम क्या होता है, चेन इनिशिएशन का, इनिशिएट करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। नाउ वी हैव सीन दैट ऑर्गेनिक पराक्साइड प्रमोट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, हाउएवर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोक्विनोन और फिनोल्स और एमीन्स इफ इट अटेम्प्ट्स टू रिटार्ड और इनहिबिट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। बेंजोक्विनोन कंबाइंस विद फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट टू फॉर्म ए नॉन रिएक्टिव फ्री रेडिकल विच इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यू रेडिकल फॉर्म इट डज नॉट प्रमोट फर्दर चेन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन इज इनहिबिटेड। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम बेंजोक्विनोन रिएक्शन में बीच में डाल दें तो क्या होगा, तो ये स्टेबलाइज कर देता है बेंजोक्विनोन इस तरह के आयन को और जिससे कि रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आल्सो ऑकर थ्रू आयंस। इन दिस मैकेनिज्म कैटायंस और एनायन अटैक ऑन मोनोमेरिक यूनिट टू फॉर्म इंटरमीडिएट कैटायंस और एनायन। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। व्हेन इनिशिएटर इज ए कैटायन देन इट एड्स ऑन डबल बॉन्ड टू फॉर्म कैटायनिक इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट मेक्स एडिशन रिएक्शन कंटिन्यूअस। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। हियर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बोरान टेट्राफ्लोराइड एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेक वाटर एसिडिक। इस रिएक्शन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन देता है, जबकि PF3 वाटर में H+ एंड P3OH- आयन देता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कैटायन एडिशन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। इन दिस स्टेप प्रोटॉन प्रोड्यूस बाय एसिड अटैक ऑन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर ऑफ मोनोमेरिक एल्कीन्स एंड फॉर्म कैटायनिक इंटरमीडिएट। दिस प्रोटॉन प्रोड्यूस बाय एसिड अटैक ऑन मोनोमर एंड इट फॉर्म्स कार्बो कैटायन। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर एक्स इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिस इज दी। नाउ चेन प्रोपेगेशन स्टेप, सेकेंड स्टेप। इन दिस स्टेप कैटायनिक इंटरमीडिएट अटैक ऑन पाई बॉन्ड ऑफ न्यू मोनोमेरिक इथीन फॉर्मिंग ए न्यू लार्ज कैटायनिक इंटरमीडिएट। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, लगातार ये प्रोसेस हुआ, ये कैटायन जो मोनोमेरिक यूनिट है उस पर अटैक करता है और इस तरह से ये कैटायनिक यूनिट बनती है और फिर ये नई कैटायनिक यूनिट फिर से इस मोनोमर पे अटैक करके इस तरह से ये चेन प्रोपेगेशन होना शुरू हो जाता है। बार बार जुड़ करके इस तरह से नई यूनिट से चेन की ग्रोथ, यानी चेन लंबी होती जाती है। थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। इन दिस फर्स्ट कैटायन रिएक्ट्स आइदर विद एनायन और लूज प्रोटियन। अब ये एनायन से यहाँ पे रिएक्शन करता है क्योंकि एसिड में H2SO4 बना था। उसके बाद चेन टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, एनायन जो है प्रोटॉन लूज करता है, यानी प्रोटॉन किसको दे देगा, ये जो कैटायन है प्रोटॉन यहाँ से इसको दे देगा, तो ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, HSO4 है नॉट H2SO4, और ये पॉलीमर फॉर्म होगा इस तरह से। इसमें ये यूनिट जो है ये रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिखाई है यही यूनिट बार बार जुड़ करके
पॉलीमर बनाती है। दिस इज इट। ये कब होता है? चेन टर्मिनेशन स्टेप में। यहाँ ये प्रोटॉन अपना छोड़ देता है तो ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जो यहाँ पे दिखाया है ये HSO4- है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, नॉट H2SO4-। तो रिएक्शन के बाद बनता है H2SO4-। इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड H2O एज को कैटलिस्ट, दे रिएक्ट टू फॉर्म आयन पेयर लाइक दिस। हाइड्रोजन आयन इनिशिएट्स द रिएक्शन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ आयनिक पॉलीमराइजेशन इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इनिशिएटर्स आर एनायंस विच मे बी बेस और अदर न्यूक्लियोफाइल्स। इंटरमीडिएट कार्बन आयन इज फॉर्म्ड बाय अटैक ऑफ एनायन ऑन अनसैचुरेटेड मोनोमर मॉलिक्यूल्स। कॉमन इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स आर पोटेशियम एमाइड एंड ब्यूटिल लिथियम, Li+Bu and ब्यूटिल लिथियम। मैकेनिज्म ऑफ द एनायनिक पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। एक्टिव एनायन अटैक्ट ऑन एल्कीन टू फॉर्म इंटरमीडिएट कार्बेन आयन लाइक दिस। मोनोमर पे अटैक होता है ये इस जो तुम्हारा चेन इनिशिएटर है उसका, और ये कार्बेन आयन बनता है, यानी कार्बेन आयन मीन्स कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। हियर एक्स इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। उस पहले वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था। सेकेंड इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इंटरमीडिएट कार्बेन आयन रिएक्ट्स विद अदर मोनोमेरिक यूनिट्स। अदर मोनोमेरिक यूनिट से इंटरमीडिएट कार्बेन आयन रिएक्ट करता है एंड फॉर्म विद अदर मोनोमेरिक यूनिट मेकिंग चेन प्रोपेगेशन स्टेप कंटिन्यूस। ये होता जाता है इससे जुड़ करके, फिर ये एक कार्बेन आयन बनता है जो अगले जो मोनोमर है उससे फिर अटैक करके, इस तरह से ये चेन लंबी होती चली जाती है लाइक दिस। इस तरह से ये बार बार, फिर ये कार्बेन आयन बना जो कि मोनोमर यूनिट्स पे अटैक करेगा और फिर ये चेन जो है, इस चेन की लंबाई लगातार बढ़ती जाएगी। नाउ थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। इन दिस स्टेप इंटरमीडिएट एनायन रिएक्ट्स विद कैटायन रिजल्टिंग इन द एलिमिनेशन टर्मिनेशन ऑफ चेन। अब एनायन कैटायन से रिएक्शन करके जुड़ जाता है इसके साथ A+ के साथ, और फिर ये क्या बनता है तुम्हारा, चेन टर्मिनेट होके पॉलीमर बनाती है जिसमें कि ये रिपीटेटिंग यूनिट है CH2CHH। दिस इज द मोनोमर जो बार बार रिपीट होकर के क्या बना रहा है, पॉलीमर। अब A+ है ये NH2 के साथ जुड़ करके ये अलग हो जाता है और ये हमारा पॉलीमर हमको मिल जाता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। As stated earlier, condensation polymers are formed by condensation between bifunctional or polyfunctional monomer units. Simple molecule like H2O, NH3, HCl, etc. are eliminated and polymers of high molecular mass is formed. These polymers are formed by step growth polymerization and reaction is completed in several steps. Each step is independent and does not depend upon one other step. This process may be completed as follows. ये A condensation होता है, A और B का condensation, तो A B बनता है, फिर इस A B A से condense होता है, A B A बनता है, इसी तरह A B A फिर B से condense होता है, तो polymer A B ये repeat हो जाती है unit. This is the उसके अलावा सेकंड टाइप में क्या होता है, A+B A-B में कन्वर्ट होता है, फिर A-B A-E फिर आपस में जुड़ करके इस तरह से पॉलीमर बनाते हैं। और A-B2 टाइप इस तरह से बनता है, ये और ये आपस में जुड़ते हैं और ABN बनाते हैं। तो ये तीन स्टेप में हो गया, पहले A+B कंडेंसेशन हुआ तो AB बना, फिर ए बी फिर ए से जुड़ा तो ये बना, फिर ये ए बी
ए प्लस आपस में कंडेंस होकर के इस तरह का बनाते हैं पॉलीमर लाइक ए बी टू दी पावर एन। सेकेंड टाइम में ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये आपस में जुड़ करके इस तरह से पॉलीमर बनाते हैं, और थर्ड तरह का इस तरह से बनता है जो विच इज ए बी होल टू, या यहाँ पे टू की जगह एन हो सकता है। आपस में ये ए बी टू आपस में जोड़ करके बनाते हैं तो इस तरह का पॉलीमर बनता है। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 6-6 पॉलिस्टर टेरिलीन बैकेलाइट। नायलॉन 6-6 का एग्जाम्पल अभी जब डिफरेंस बता रहे थे थर्मोप्लास्टिक का, उसमें देखा था। जब हम अलग से नायलॉन 6-6 के बारे में बताएंगे तो सारा स्ट्रक्चर भी उसका दिखाई देगा। नाउ को पॉलीमराइजेशन एज स्टेटेड अर्लियर, व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, द पॉलीमर इज कॉल्ड को पॉलीमर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड को पॉलीमराइजेशन। को पॉलीमर्स आर नॉट फॉर्म बाई चेन ग्रोथ पॉलीमर बट बाई स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। Properties of copolymers are different from homopolymers, e.g. properties of polystyrene homopolymer of styrene are different from Buna S homopolymer of 1,3-butadiene 75% and styrene 25%. Examples: nylon 6,6 is obtained from adipic acid and hexamethylene diamine. This is adipic acid and this is hexamethylene diamine. When condensation takes place, it forms nylon 6,6 unit. This is the copolymer and water molecule is eliminated. The overall reaction is like this. Now, terylene is synthesized from glycol and tetraethylic acid. This is ethylene glycol. This is tetraethylic acid, N unit दोनों की कंडेंस होती है और बनाती है टेरिलीन और टेक्रॉन। This is the टेरिलीन और टेक्रॉन and water molecule is eliminated. This process is called copolymerization. The properties of a copolymer are entirely different from a physical nature of the two individual polymers. Copolymers have better physical and mechanical properties. For example, Buna S or SBR, any styrene butadiene rubber is a copolymer of styrene and buta-1,3-diene. Polystyrene is easily breakable, but polybutadiene is flexible. The copolymer SBR is more flexible than polybutadiene and tougher than polystyrene. The properties could be changed by varying the amount of each monomers. Now, types of copolymer. Depending upon the distribution of monomer unit, the following four types of copolymers are possible. Alternating copolymer, the two monomer units AB are linked in an alternate manner throughout the polymer. It is known as alternating polymer. AB, AB, इस तरह से होगा। Now, second is random polymer. The distribution of monomer units is random throughout the chain. कोई जरूरी नहीं कि A के बाद B फिर A हो, A, B, B फिर A, A हो गया, इस तरह से monomer unit जब जुड़ती जाएगी तो ये random polymer होता है। Block polymer, in this kind there are blocks of each kind of monomer unit, that is it consists of blocks of one type of monomer units alternate with blocks of another type, yani one block of B second block of A fir block of B, is tarah se aapas mein jud karke polymer banate hain, ye kehlate hain block copolymer. Block polymers can be prepared by initiating the radical polymerization of one monomer to give homopolymer chain followed by addition of an excess of the second monomer. Now fourth is graft copolymer. It consists of a linear polymer chain of one type to which has been grafted side chain of another type of monomer unit like this. इस तरह का structure होता है इसका। एक तरह की monomer units और उसी तरह से जुड़ी हुई है दूसरे type की monomer units.
The formation of graft copolymer can be brought about either by two general methods. Initiation of chain growth of monomer B on an existing polymer molecule formed from monomer A, or termination of chain growth of polymer B by an existing polymer molecule formed from monomer A. Examples are A, B, dye blocks. दो तरह के ब्लॉक्स से जो पॉलीमर बनेंगे उनकी इस तरह की स्ट्रक्चर होगी. ए बी सी दिस इज ट्राई ब्लॉक. तीन तरह के ब्लॉक हैं जो आपस में जोड़ करके, तीन तरह के ब्लॉक मोनोमर्स के हैं ये, ए मोनोमर्स, बी मोनोमर और सी मोनोमर्स आपस में जोड़ करके ट्राई ब्लॉक लीनियर को पॉलीमर बनाते हैं. रैंडम ब्लॉक पॉलीमर ब्लॉक हैं लेकिन रैंडमली एक दूसरे से जुड़ के बना रहे हैं. दिस इज रैंडम ब्लॉक पॉलीमर. एंड दिस इज डाई ब्लॉक वी शेप. इस तरह से दो तरह के ब्लॉक हैं लेकिन वी शेप में जुड़ करके पॉलीमर बना रहे हैं. लास्ट है अल्टरनेटिंग ब्लॉक को पॉलीमर, जो सबसे पहले देखा था ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए. दिस इज अल्टरनेटिंग ब्लॉक को पॉलीमर कहलाते हैं. इस तरह से ये सारे तरह के ब्लॉक्स के पॉलीमर किस तरह, सारे तरह के को पॉलीमर किस तरह के होते हैं ये डायग्राम से क्लियर है. उसके अलावा कुछ और जैसे ये है, एक यूनिट ये है दूसरी यूनिट ये है, ये आपस में जुड़ करके पॉलीमर बना रहे हैं. उसी तरह से ये है एक यूनिट दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट जुड़ करके पॉलीमर बना रहे हैं. दीज आर द एग्जांपल्स. इसी तरह से यहाँ ये देख सकते हो लॉन्ग चेन होती जा रही है इस तरह से. दिस इज डाई ब्लॉक को पॉलीमर क्वार्टरनिक अमोनियम फ्रैक्शनलाइज डाई ब्लॉक को पॉलीमर. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम को पॉलीमर्स. तो आज के क्लास में क्या क्या सीखा, पहली चीज़ तो पॉलीमर्स, व्हाट आर पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में डिस्कस हुई. अब अगली क्लास में हम पॉलीमर्स से रिलेटेड जैसे कि इम्पॉर्टेंट पॉलीमर हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, उसके अलावा कुछ सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे.